हमारा डिजाइन आज का दो कलर का है। एक मैंने ये बनाया था छोटा सा। टू के मल्टीपल में फंदे लेने हैं इसमें। और पीछे से ये ऐसे दिखते हैं। अगर नेक से स्टार्ट करते हैं जर्सी को तो ऊपर से ये ऐसा दिखेगा, ऐसे आएगा। और अगर साइड से करते हैं, पट्टी से स्टार्ट करते हैं इसे, तो ये ऐसे आएगा डिजाइन। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। हमारी फ्रंट साइड है, राइट साइड। अब हम बॉर्डर के बाद कलर चेंज करेंगे। हमने पूरी सिलाई सीधी सीधी बनानी है। देखिए, ये फ्रंट साइड से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी आ गई रॉन्ग साइड, बैक साइड से। अब हम जो पूरी सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे। हमारी टू रो कंप्लीट हो गई हैं, दो सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं ये। अब हम कलर चेंज करेंगे। दो सिलाई के बाद ये हमारा कलर चेंज होता है। ये हमारी राइट साइड है ये, और तीसरी रो स्टार्ट होएगी। मैं आपको जो बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ, जो बाहरले देश के हमारे फॉरेनर हैं ना, उनको भी समझ आ जाए जो वीडियो देखते हैं। तो आगे के तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे। और फिर दो सिलाई नीचे जाकर, जे टू रो हम डाउन जाएंगे, जहाँ से हमने ऐसे एक लूप बनाना है।
और फिर दो फंदे हम सीधे बना लेंगे। देखिए दो फंदे बनाने के बाद हम लूप बनाएंगे, ये नीचे से दो सिलाई नीचे से ना हमने उठाने, देखिए एक और दो, ये जो दोनों येलो वाले थ्रेड हैं इनके ऐसे अंदर से ये लेनी है सिलाई। दो फंदे हम ऐसे नॉर्मल बुनेंगे और उसके बाद एक हम लूप बनाएंगे। देखिए जहाँ से जहाँ सिलाई डालनी है और एक लूप बना लेना है। ये हमारा एक नया फंदा बन गया है, ये हमारी पूरी रो ऐसे हमने कंप्लीट करनी है। दो फंदों के बाद एक लूप बनाना है हमें और दो फंदे ने सीधे बनाने हैं। और हमारे लास्ट के बच गए तीन फंदे, हम ये तीनों फंदे सीधे बना लेंगे। ऐसे हमारे आगे भी ये हमारे तीन ही फंदे थे लूप से पहले के। ये हमारी तीन सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी जो बैक साइड है और चौथी रो स्टार्ट करनी है, हमें फोर्थ रो स्टार्ट होएगी। इसमें हमने जो फंदे इधर से सीधे थे उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। और जो हमने लूप बनाया था नीचे से, ये लूप लिया था, इसे हम ऐसे बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, इसे स्लिप करना है। दो फंदे हम इसे उल्टे बनाएंगे और जो हमारा ये लूप है इसे हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। जो हमारा लूप है इसे हम बिना बुने ही उतार लेंगे और ये दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये हमारी ऐसी पूरी रो ऐसे ही बनानी है हमने और लास्ट के तीन फंदे हम उल्टे बना लेंगे। हमारी चार रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी ये फ्रंट साइड आ गई, इधर से अब हम ये थ्रेड चेंज करेंगे। हमने दो सिलाई के बाद हमने ये कलर चेंज करने। देखिए अब जो हमारा एक लूप और एक जेवल फंदा, इन दोनों को ऐसे लेना है, इधर लूप से लूप के इधर से हमने ये सिलाई डालनी है और ये फंदे इस सिलाई में आगे और फिर इस आगे वाले फंदे को हमारा ये सेकंड वाला फंदा है इसे हम ऐसे सीधा बना लेंगे और एक फंदा और सीधा बना लेंगे। फिर जो हमारा ये लूप था, लूप बनाया था, इस लूप को इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। देखें
एक लूप और एक फंदा, जहाँ से सिलाई ऐसे डालनी है और इसको इस दाएं हाथ की सिलाई में लेके आना है इन फंदों को, और फिर इस फंदे को ऐसे हम बना लेंगे इस लूप को, इसके दोनों के ऊपर से ऐसे उतारना है। देखिए ऐसे सिलाई डालनी है इधर से, और फिर इस राइट हैंड वाले सिलाई में ये उतार लेने हैं, फिर इनको सीधा बनाना है दो फंदों को, और लूप को ऐसे उतार देने हैं। जो लेफ्ट वाला फंदा है इसे हम बना लेंगे, और फिर एक आगे का फंदा और बना लेना। हमारे जो दो फंदे रह गए इसे हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब जो हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है, पांच सिलाई बनने के बाद जो हमारी बैक साइड आ गई, जहाँ से हम छठी सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये हमारी छठी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, जो हमारी सिक्स सिलाई कंप्लीट हो गई है, और ये फ्रंट साइड है। अब हम कलर चेंज करेंगे। पहले हमने जो तीन फंदे उल्टे बनाए थे, सीधे बनाए थे, अब हम दो फंदे सीधे बुनेंगे आगे के, दो फंदे सीधे बनाने के बाद हम अब जहां लूप बनाएंगे दो सिलाई नीचे जाके ऐसे ही जो येलो वाले थ्रेड दिख रहे हैं ना, जहां से हमने सिलाई डालनी है, और फिर एक लूप बना लेना है। अब वो हैंड को थोड़ा लूज रखना है, देखिए जहाँ से हमारे ये दोनों लूप मिल रहे हैं ना, जहाँ से हम ऐसे सिलाई डालनी है। ऐसे दो फंदे
हमने ऐसे बुन लेने हैं, और उस दो फंदों के बाद जहाँ से लूप बनाने और फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे, और फिर जहाँ नीचे से दो सिलाई नीचे से लूप बनाने हैं, ऐसे सीधा बनाना है ये फंदा भी जो हमने लूप बनाया। जो हम लूप बनाएंगे इसे हम ऐसे सीधा बुनते हुए बनाएंगे, जो हमारे दो लास्ट के फंदे बच गए इन्हें हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। ये हमारी 7 रो कंप्लीट हो गई हैं। ये हमारी बैक साइड है। अब हमारी 8वीं सिलाई शुरू होएगी। हमने पहले दो फर्स्ट फंदे हैं जो उल्टे बना लिए दो फंदे, और उसके बाद हमारा जो लूप है इसे हमने बिना बुने ही उतारने, दो फंदे उल्टे और जो लूप है इसे हम ऐसे ही स्लिप करेंगे। दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे और लूप को ऐसे ही बिना बुने उतार लेना है। दो फंदों के बाद हमारा जो लूप आ जाता है इसको हम ऐसे बिना बुने ही उतार लेंगे, और फिर दो फंदे उल्टे बना लेंगे। ये हमारी 8 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी ये आ गई फ्रंट साइड। अब हम कलर चेंज करेंगे। फर्स्ट फंदा मैंने सीधा बना लिया, और उसके बाद हम ये लूप वाला फंदा और इस फंदे को ऐसे उठाएंगे सिलाई में लेके आना है, इसमें ऐसे, और इस फंदे को हम आगे का जो इसे सीधा बना लेंगे, और एक फंदा और सीधा बुनेंगे। दो फंदे सीधे बनाने के बाद इसे हम इन दोनों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। सॉरी, एक फंदा और बनाने, इन्हें ऐसे इधर से सिलाई डालनी है, और फिर इस जो हमारा ये वाला फंदा है इसे हम सीधा बना लेंगे, और एक फंदा और सीधा बुन लेंगे। इन दोनों फंदों के ऊपर से इस लूप को हम ऐसे उतार देंगे।
देखिए ऐसे डालनी है सिलाई, और फिर ये वाले फंदे हमारी इस सिलाई में आ जाएंगे, और जो लेफ्ट वाला फंदा है इसे हम सीधा बना लेंगे और एक फंदा और बुन लेंगे सीधा। फिर हमारे जो दो फंदे होंगे इन दोनों के ऊपर से इस लूप को उतारना है। देखिए जहाँ से ऐसे उठा के इसे ऐसे बुन लेना, और फिर एक आगे का फंदा हम बना लेंगे। अब तक हमारी ये 9 सिलाई बन चुकी हैं। ये हमारी 9 सिलाई हो चुकी हैं। इस कलर में थोड़ा सा ये ना कम दिख रहा है, मैं दूसरे के ऊपर एक सिलाई बना के दिखाऊंगी। इसके ऊपर मैं आपको बना के दिखाती हूँ जो हमारी पांचवी सिलाई भी कैसे बनती है, फिफ्थ रो कैसे बनती है वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। हमारा जहाँ कलर चेंज होएगा देखें, जो जो हमारा लूप है जहाँ से तो दिखता है ना पूरा, इसको हमने ऐसे उठाना है, फिर इस फंदे को हम ऐसे सीधा बना लेंगे, और फिर एक फंदा आगे का सीधा बुन लेंगे। उन दोनों फंदों के ऊपर से हम इसको वाइट वाले ऐसे लूप को ऐसे उतार देंगे। देखें ऐसे लेना है, लूप के लेफ्ट साइड से हमने ये सिलाई डालनी है इन दोनों फंदों के बीच में, और फिर ये राइट हैंड में जो सिलाई है इसमें आ गए ये फंदे। दो फंदे बनाने के बाद इसे हम इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे लूप को। सॉरी ये बनाना नहीं था। देखें इस फंदे को हमने पहले बुन लेना है जो हमारा जहाँ आगे था, फिर इधर से हमने सिलाई डालनी है, इस फंदे को ऐसे सीधा बुन लेना है, और फिर एक फंदा और बना लेना सीधा। हमारा ऐसे ही बनता जाएगा जी डिजाइन।
और लास्ट का हमारा एक फंदा रह गया, इसे हम सीधा बना लेंगे। देखिए ये हमारा डिजाइन बनके ऐसे आएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और बैक साइड से ये ऐसे दिखता है। थैंक यू।